मुंबई तथा नवी मुंबई की सभी दवा की दुकानें 3 दिनों तक लगातार बंद रहेगी। जाहिर सी बात है कि अगर 3 दिन तक अगर दवाएं मरीजों तक नहीं पहुंची तो उन बीमार व्यक्ति की दशा क्या होगी। इसी विषय को लेकर जब हमारे प्रतिनिधि ने दुकानदारों से बात करनी चाही तो कई मेडिकल स्टोर में काम करने वाले व्यक्तियों को यह पता ही नहीं था कि बंद की वजह क्या है। हालांकि यह 100% सच है कि सभी मेडिकल स्टोर बंद रहेंगे। बंद के लिए पोस्टर जारी किया गया है जिसे हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, साथ ही उनकी मांगों का भी ब्यौरा दिया है। फिलहाल इस विषय पर जब एक महिला से चर्चा की गई तब उनका कहना था, जिस तरह से 3 दिनों के लिए मेडिकल स्टोर बंद किए जाने वाले हैं, उनकी कुछ मुद्दों को कुछ मांगों को लेकर, तो इससे लगता है कि समाज में नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बहुत बहुत परेशानी का सामना करेगा क्योंकि इनके ये मेडिसिन से ही उनकी जान बचती है, किसी की जान जा सकती है, बीपी बढ़ गया सडनली, मेडिसिन ले लिया तो पेशेंट को प्रॉब्लम हो जाएगा, फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी, बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आपको लगता है कि जिस प्रकार मेडिकल स्टोर के जो लोग हैं 3 दिनों के लिए बंद करने वाले हैं, बंद के बजाय कोई दूसरा रास्ता निकालना चाहिए ताकि नागरिकों को किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े, निकालना चाहिए उसके बारे में। ऐसे में देखना ये होगा कि सरकार की नीतियों के खिलाफ जिस प्रकार दवाओं की दुकानें 3 दिनों तक बंद रखने का फैसला किया गया है उससे दवा विक्रेताओं की मंशा पूरी होगी या नहीं। हम अपने दर्शकों को यह अवश्य बताना चाहेंगे कि 3 दिनों के बंद के दरमियान कुछ अस्पतालों के भीतर चल रहे दवा की दुकानों पर दवाइयां खरीदी जा सकती है, जिसके बारे में रायगढ़ जिला रिटेल केमिस्ट तथा होलसेलर एसोसिएशन के सचिव गौतम पाटिल ने विस्तृत जानकारी दी। जिल्हा असोसिएशन नी पदाधिकाऱ्यांची मीटिंग घेऊन आपापल्या एरियामधील केमिस्टची लिस्ट FDA दिलेली आणि त्या सर्व नंबर्स आम्ही FDA दिलेले आहेत। तसेच IMA जे डॉक्टर्स आहेत, आमच्या एरियातील जे डॉक्टर्स आहेत त्यांना आम्ही त्या पदाधिकाऱ्यांचे नंबर्स दिलेले आहेत। तसेच हॉस्पिटलच्या आतील काउंटर्स चालू राहणार आहेत आणि काही इमर्जन्सी दुकानांचे जे नंबर्स दिलेले आहेत, ज्यावेळी डॉक्टरांचे फोन येतील, इमर्जन्सी पेशंटचे फोन येतील, त्यावेळी आमच्या असोसिएशनचे जे पदाधिकारी आहेत किंवा जी संघटनेचे काही सभासद आहेत ते लोक आपलं दुकान थोडंसं ओपन करून इमर्जन्सीमध्ये औषध देणार। हा संप जो आहे हा आमचा स्टेट लेवलचा संप आहे। स्टेट असोसिएशननी राज्यस्तरीय झालेल्या इन्स्पेक्शन्समध्ये MTPL जे काय लोकांच्यावरती गुन्हे नोंदवण्यात आले त्या गुन्ह्यांची कार्यक्षमता कमी करावी आणि लोकांना यातून बाहेर काढावं याच्यासाठी हा संप। सर, इमर्जन्सी एखाद्या पेशंटला जर का लागला ह्या परिसरातील तर त्यांच्यासाठी असं म्हणजे विशेष असे काही मेडिकल्स आहेत का ते तुम्ही सांगू शकाल की बाबा कळम बोलले आहे? केमिस्ट आहेत, खारघर मध्ये म्हणाल तर निर्मया फार्मसी हॉस्पिटलच्या आतमध्ये आहे, संजीवनी हॉस्पिटलच्या आतमध्ये ओम नवजीवन हॉस्पिटलची फार्मसी आहे, एरा मेडिकल ट्रस्टच्या आतमध्ये श्री मेडिकल फार्मसी आहे, कामोटामध्ये सिटी हॉस्पिटलच्या आतमधील केमिस्ट आहे, कळंबोली कामोटा हॉस्पिटलच्या आतमधील मेडिकल स्टोअर्स ओपन असणार आहे। महाराष्ट्र के दवा विक्रेता और महाराष्ट्र शासन के बीच सही तालमेल नहीं होने की वजह से इसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ेगा। जी हाँ, 16, 17, 18 3 दिनों के लिए सभी मेडिकल स्टोर बंद हो गए। इसमें उन मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा जिनको जीवन रक्षक दवाओं की आवश्यकता होगी। मैं गोपाल साहा, कर्नाटक TV न्यूज़ के लिए।